नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आशीष शुक्ला और आप देख रहे हैं डीप नॉलेज। जिन्होंने बेसिक कोर्स में आपने एक बार कम्प्लीटली पढ़ लिया है कि कैसे बहुत ही सिंपल भाषा में हमने कन्वे किया है आपको कि स्पिरिचुअलिटी क्या है, पर्पस क्या है लाइफ का, और ये साइंस ऑफ स्पिरिचुअलिटी के पीछे क्या क्या है एग्जैक्टली, कहाँ से हम शुरुआत करते हैं, चीज़ों को फिर आगे कैसे ले जाते हैं। जब मैं कृष्णमूर्ति को पढ़ता था तो मुझे कहीं रास्ता नहीं मिलता था कहाँ से जाना है। पढ़ लेते थे, एक पेज पढ़ लिया, एक चैप्टर पढ़ लिया, लेकिन लगता था कि चलो बहुत अच्छा लगा, शांत भी लगता था, मन हो गया, लेकिन क्या करना है समझ में नहीं आता था। लेकिन जब ज़िनोबा पढ़ा तो ये समझ में आया कि क्या करना है एक्चुअली और कैसे करना है। लेकिन उसके बाद एक और नई चीज़ मेरे साथ हुई और वो है कृष्णमूर्ति, जो मेरे सबसे फेवरेट स्पिरिचुअल राइटर हैं, वो समझ में आना शुरू हो गए। इसलिए मैं ज़िनोबा एडवांस कोर्स में कृष्णमूर्ति को कंटिन्यू करता रहूँगा आपके साथ, और एक नया फ्लेवर मिलेगा। बिकॉज़ जो हम लोग आजकल पढ़ रहे हैं ज़िनोबा एडवांस कोर्स में, जो बुक पढ़ रहे हैं सुसुवा और भूवा यूनिवर्स में, वो थोड़ा सा गूढ़ है, उसकी चीज़ें सेटल होने में टाइम लगता है। इस बीच में आप और हम शेयर करेंगे, डिस्कस करेंगे कृष्णमूर्ति की टीचिंग्स। और आज मैं बहुत ही खास चीज़ आपके साथ डिस्कस करने वाला हूँ कि ट्रूथ को खोजा कैसे जाता है, सत्य को कैसे खोजा जाता है। एक आदमी आया था कृष्णमूर्ति के पास, बहुत दूर से आया है। हम और आप भी शायद ऐसा करेंगे जैसा उसने किया है, बहुत मेहनत की है, ज़िंदगी उसने उसी तरह बिताई जैसे हमने आपने बिताई है, और फिर उसको सत्य जानना था। तो देखते हैं हम इसे क्या समझ में आता है हमें। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, ही हैड कम अ वेरी लॉन्ग वे, बहुत दूर से आया था वो आदमी, मेनी थाउजेंड माइल्स, थाउजेंड्स ऑफ माइल्स बाई बोट एंड प्लेन। उसने बताया उन्होंने कृष्णमूर्ति को, मैं बहुत दूर से आया हूँ, बोट से आया हूँ, फिर प्लेन से आया हूँ। ही स्पोक ओनली हिज ओन लैंग्वेज, वो केवल अपनी भाषा बोलता था, एंड विद द ग्रेटेस्ट ऑफ डिफिकल्टीज वॉज एडजस्टिंग हिमसेल्फ टू दिस न्यू एंड डिस्टर्बिंग एनवायरनमेंट। ये सब बातें उसने बताई होंगी कृष्णमूर्ति को, क्योंकि वो एक ही भाषा बोलता था अपनी वाली, और बड़ी मुश्किल से इस बिकॉज इंडिया में वो आया होगा, मेरा गेस यही कि वो कोल्ड कंट्री से इंडिया में आया होगा, इंडिया की गर्मी फॉरनर्स को बर्दाश्त नहीं होती, तो बोल रहे हैं कि वो आया और बेचारा एडजस्ट नहीं कर पा रहा था। और कृष्णमूर्ति की इस कमेंट्रीज ऑफ लिविंग में बड़ी खास खासियत थी, 19 चैप्टर है ये, सर्च ऑफ ट्रूथ। वो नाम नहीं बताते थे, तो जो भी उनके इनर सर्कल के लोग हैं उनको पहचानते हैं यूजुअली किसके बारे में बोल रहे हैं, बट नाम नहीं लेते थे वो। तो बोलते हैं वो बड़ा मुश्किल था उसको एडजस्ट कर पाना अपने इंडिया की गर्मी और माहौल मौसम के साथ। ही वॉज एंटायरली अनअकस्टम्ड टू द काइंड ऑफ फूड एंड द क्लाइमेट, बोलते हैं यहाँ का खाना उसको सूट नहीं कर रहा था, क्लाइमेट भी सूट नहीं कर रहा था। हैविंग बीन बॉर्न एंड ब्रेड इन वेरी हाई एल्टीट्यूड, द डैम्प हीट वॉज टेलिंग ऑन हिम, उसको गर्मी बर्दाश्त नहीं होती यहाँ की, और ह्यूमिडिटी हम लोगों को भी नहीं होती। ही वॉज वेल रेड मैन, पढ़ा लिखा आदमी था, साइंटिस्ट, साइंटिस्ट ऑफ सम सॉर्ट, किसी तरह का साइंटिस्ट वाइंटिस्ट था, एंड हैड सम डन सम राइटिंग, और कुछ लिखा लिखा भी था उसने। ही सीम टू बी वेल एक्वेंटेड विद बोथ ईस्टर्न एंड विजडम फिलोसफीज, वो उसको ईस्टर्न विजडम और वेस्टर्न फिलोसफी दोनों उसको उसके बारे में थोड़ा कंफर्टेबल जानता वानता था वो। एंड हैड बीन रोमन कैथलिक, और वो एक्चुअली क्रिश्चियन रहा है, रोमन कैथलिक रहा है। ही सेड ही हैड बीन डिससेटिस्फाइड विथ ऑल दिस फॉर अ लॉन्ग टाइम, बोलते हैं इस पूरी जिंदगी से वो बहुत सेटिस्फाइड नहीं रहा है पूरी जिंदगी से। बट ही कैरीड ऑन बिकॉज ऑफ हिज फैमिली, लेकिन बोलते हैं मैं चलता रहा, कुछ छोड़ा नहीं, जिंदगी चलता रहा, नौकरी पेशा करता रहा, बिकॉज परिवार था मेरे पास। हिज मैरिज वॉज वॉट कुड बी कंसिडर्ड अ हैप्पी वन, बोलते हैं मेरी शादी आप कह सकते हैं कि ठीक ठाक सी थी। एंड ही लव्ड हिज टू चिल्ड्रेन, और अपने दोनों बच्चों से बहुत प्यार करता था। देवर इन कॉलेज नाउ इन दैट फार अवे कंट्री एंड हैड अ ब्राइट फ्यूचर, बोलते हैं बच्चे बड़े हो गए हैं, कॉलेज में चले गए हैं, अब मुझे उनकी चिंता नहीं है। बट दिस डिससेटिस्फैक्शन विथ रिगार्ड टू हिज लाइफ एंड एक्शन हैड बीन स्टेडली इंक्रीजिंग थ्रू द ईयर्स, लेकिन अब डिससेटिस्फैक्शन जो है बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। समझ रहे, बच्चे बड़े हो गए, बच्चे चले गए, अब कुछ है नहीं करने को, और डिससेटिस्फैक्शन दिखने लगा, शायद एस्केप की तरह था बच्चों का होना और फैमिली का होना, अब वो बढ़ते जा रहा है। एंड अ फ्यू मंथ्स अगो इट हैड रीच्ड अ क्राइसिस, सुनते हैं, और कुछ महीने पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो गई इस थॉट से कि ट्रूथ कैसे मिलेगा मुझे। ही हैड लेफ्ट हिज फैमिली, बोलता है मैंने परिवार छोड़ दिया, मेकिंग ऑल द नेसेसरी अरेंजमेंट्स फॉर हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन, घर परिवार को छोड़ करके आ गया हूँ, बच्चे के लिए मैंने सब इंतजाम कर दिया है, एंड नाउ हियर आई ही वॉज, बोलते हैं मैं यहाँ आ गया हूँ आपके पास ट्रूथ को जानने के लिए। ही हैड जस्ट इनफ मनी टू कैरी ऑन, बोलते मेरे पास खाली इतना पैसा है कि मेरा गुजारा चल जाए बस। एंड ही हैड कम टू फाइंड गॉड, बोलता मैं ईश्वर को पाने के लिए आ गया हूँ। ही सेड दैट ही वॉज ऑन अ वे वॉज इन नो वे अनबैलेंस्ड, बोलता है मैं किसी तरह से भी दिमागी रूप से मैं असंतुलित नहीं हूँ, मैं बैलेंस्ड हूँ किसी तरह से भी।
एंड वॉज क्लियर इन हिज पर्पज, बोलता है मुझे ये भी क्लियर है कि मुझे क्या चाहिए, मैं ट्रूथ को जानने आया हूं, मेरा पर्पज एकदम क्लियर है। कृष्णमूर्ति ने उनको देखा होगा, उसके बाद अपने माइंड को देखा होगा, फिर उनके माइंड में चीजें रिवील होती थी, वो बोल रहे हैं कृष्णमूर्ति बैलेंस्ड बोल रहा है, वो आदमी बोलता है मैं बैलेंस्ड हूँ। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं बैलेंस इज नॉट अ मैटर, हमसे बोल रहे हैं ये, उस आदमी से पता नहीं क्या बोला, बैलेंस इज नॉट अ मैटर टू बी जज्ड बाई द फ्रस्ट्रेटेड और बाई दोज हु आर सक्सेसफुल। बैलेंस अपने मन का बैलेंस आप नहीं समझ सकते कि आप बैलेंस्ड हैं कि नहीं, अपनी फ्रस्ट्रेशन से अपने बैलेंस का कोई ताल्लुक नहीं है, आपकी सक्सेस से आपकी बैलेंस का कोई ताल्लुक नहीं है। अगर कोई ये कहता है कि मैंने अभी तक ज़िंदगी बहुत अच्छे से बिताई, मैं बहुत सक्सेसफुल रहा, इसका मतलब यह है कि आप लाइफ में बैलेंस्ड हैं, ऐसा सच नहीं है। और वाइस वर्सा, कोई कहता है मैं बहुत ही फ्रस्ट्रेटेड रहा और उसको ये लगता है कि मैं अनबैलेंस्ड हूँ, ऐसा भी नहीं है। बोलते बैलेंस कोई और ही चीज़ है। द सक्सेसफुल मे बी अनबैलेंस्ड, सक्सेसफुल अनबैलेंस्ड भी हो सकते हैं, एंड फ्रस्ट्रेटेड बिकम बिटर एंड सिनिकल और दे फाइंड एन एस्केप थ्रू सम सेल्फ प्रोजेक्टेड इल्यूजन। और जो बेचारे फ्रस्ट्रेटेड होते हैं वो जिंदगी में सिनिकल हो जाते हैं, सनकी टाइप के हो जाते हैं, कंप्लेनिंग टाइप के हो जाते हैं, और फिर वो एस्केप्स खोज लेते हैं, अपने मन की कुछ चीज़ें खोज लेते हैं, उसको करते रहते हैं। बैलेंस इज नॉट इन द हैंड्स ऑफ एनालिस्ट्स। और जो भी आदमी कैलकुलेट करता है लाइफ के बारे में कि मेरा ये सही है, ये सही है, ये खराब है, ये सही है, वो एनालिसिस चलती है, उससे उसका भी बैलेंस से कोई ताल्लुक नहीं होता है। टू फिट इन टू द नॉर्म्स डज नॉट नेसेसरली इंडिकेट बैलेंस। नॉर्म वर्ड आजकल कम, आपने कभी सुना है नॉर्म वर्ड? बोलते हैं नॉर्म के साथ फिट हो जाना, ये भी बैलेंस नहीं है। मतलब जैसा उम्मीद करती है सोसाइटी आपसे ऐसा बिहेव करो, अगर आप वैसा करते हैं तो जरूरी नहीं कि आप बैलेंस्ड हो। एंड एक्विजिटिव सोसाइटी, एक ऐसी सोसाइटी जो हमेशा छीनती रहती है, इकट्ठा करती रहती है, लोगों को नुकसान हो फिर भी अपना बढ़ती रहती है, ऐसी सोसाइटी विथ इट्स पैटर्न्स एंड नॉर्म्स इज अनबैलेंस्ड। सोसाइटी अपने आप में अनबैलेंस्ड है, तो हम उस सोसाइटी के हिसाब से अगर चलेंगे तो हम खुद कहाँ बैलेंस्ड होंगे। वेदर इट इज ऑफ द लेफ्ट और द राइट, वेदर इट इज एक्विजिटिवनेस इज वेस्टेड इन द स्टेट और द सिटीजन, चाहे आप गवर्नमेंट की तरफ काम करें चाहे सिटीजन की तरफ काम करें, फर्क नहीं पड़ता। अगर आप एक्विजिटिव हैं, आप सनकी हैं, तो आप बैलेंस्ड नहीं हैं। एक और चीज़ बैलेंस नहीं होती, बैलेंस इज नॉन एक्विजिटिवनेस। अगर आपको समझ नहीं है बैलेंस क्या है, तो जब आपके मन में से चीज़ों को इकट्ठा करने की टेंडेंसी खत्म हो जाती है, पैसा नहीं, सामान नहीं, यादें, बिकॉज पैसे रुपए ये तो हम बाद में इकट्ठे करते हैं, पहले हमको यादें इकट्ठी होती हैं। लालच ग्रीड है क्या? बेसिकली हमारी कुछ थॉट्स हैं जिसके ऊपर हमने उसको पकड़ करके रखा है। अगर मुझे एक महंगी कार चाहिए, महंगा घर चाहिए, हमने कहीं देखा होगा पहली बार, उस चीज़ से बहुत ही स्ट्रांगली इंप्रेस्ड हो गए होंगे और फिर उसके पीछे भागे होंगे अपने पर्पस के साथ, अपने माइंड के साथ, तो उसको हम इकट्ठा करने की कोशिश। तो सबसे पहला बोलते हैं जब माइंड में आपके नॉन एक्विजिटिवनेस आता है, जब आप इकट्ठा करने की कोशिश नहीं करते हो माइंड में, तब बैलेंस आता है। द आइडिया ऑफ बैलेंस एंड नॉन बैलेंस इज स्टिल विद इन द फील्ड ऑफ थॉट एंड सो कैन नॉट बी जज्ड। बोलते हैं आप कोशिश करने की कोशिश भी मत करो कि आप बैलेंस्ड हो कि नहीं, बिकॉज ये जो आइडिया है ना अपने बारे में कि मैं बैलेंस्ड हूँ कि नहीं, आइडिया अपने आप में बहुत ही बेवकूफ़ी भरा है। इसको आप ये थॉट्स में चलता है, जब आप सोच रहे हो तो थॉट्स में तो सोच रहे हो, इससे नहीं मालूम पड़ेगा बैलेंस्ड हैं कि नहीं आप, क्योंकि थॉट्स क्या है, थॉट्स की क्वालिटी क्या है। थॉट्स इट्स सेल्फ द कंडीशन रिस्पॉन्स विथ इट्स स्टैंडर्ड एंड जजमेंट्स आर नॉट ट्रू। जो भी हमारे थॉट्स हैं, वो एक कमरे के अंदर अगर आवाज़ गूंजती है तो वो गूंज ही तो है थॉट्स हमारे। अगर हम किसी चीज़ से परेशान होते हैं, मान लीजिए मैं एक ऐसा आदमी हूँ, एक बच्चा ऐसा है, स्टूडेंट हूँ मैं जो एग्ज़ाम में फेल हो गया, एक ऐसा आदमी हूँ जिसका बिजनेस में लॉस हो गया, एक ऐसा आदमी जिसकी नौकरी चली गई, तो उसके थॉट्स क्या करते हैं, माइंड के एक चार दीवारी के अंदर घूमते रहते हैं, ये नौकरी का क्या होगा, पढ़ाई का क्या होगा, लाइफ का क्या होगा, इस मूवमेंट को ही तो हम थॉट बोलते हैं। चाहे ये मूवमेंट लंबा हो जाए, हम इसको और लंबा कर दें थॉट्स को, लेकिन जो थॉट्स है अपने आप में वो कंडीशन होता है, वो किसी न किसी तरह से आता है, किसी न किसी रिबाउंड करके आता रहता है, हमारी ये एक्टिविटी से आता है। एंड इट इज नॉट ट्रूथ, वो सच नहीं होता ट्रूथ। थॉट्स हमको हेल्प कर सकते हैं, लेकिन कैसे हेल्प करेंगे बताएंगे अभी, बट एक्चुअली थॉट्स जो होते हैं वो ट्रूथ नहीं होते। ट्रूथ इज नॉट एन आइडिया, जो सच है, जिसको बहुत बड़ा असीम है, जिसको गॉड बोल रहा था आदमी खोजने आया, वो कोई आइडिया नहीं है,
कोई कंक्लूजन नहीं है, हमने मन में सोच लिया कि ये चीज ट्रूथ है, ऐसा नहीं है। फिर कृष्णमूर्ति बोलते हैं कि अच्छा ये बताओ, तुम ट्रूथ को खोजने आए हो, सब घर बार छोड़ करके, थोड़ा सा पैसा लेकर के, इतनी टॉर्चर में झेल करके अपने आप को यहाँ पर आए हो, क्या ये तरीका है ट्रूथ को खोजने का? कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, इज गॉट टू बी फाउंड बाई सीकिंग आउट हिम। अगर आप खोजते रहो, जैसे आदमी एक खजाना खोजता है, तो ऐसे खोजने से ट्रूथ मिलता है क्या? गॉड ट्रूथ खोजने से मिलता है क्या? कैन यू सर्च आफ्टर द अनोएबल, एक ऐसी चीज जो बहुत बड़ी है, बहुत ही बड़ी है, अनोएबल है, इतनी ज्यादा बड़ी है कि उसको हम जान नहीं सकते, अनोएबल है, तो उसको किस छोर को खोजोगे? अगर क्या उसको खोज सकते हो तुम अनोएबल को? ऐसा नहीं कि कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं खोजा नहीं जा सकता, बट कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं क्या खोज कर उसके पा सकते हो? टू फाइंड यू मस्ट नो वॉट यू आर सीकिंग, क्योंकि जब भी तुम खोज रहे हो कोई चीज, तो तुम्हें पहले से पता तो होना चाहिए क्या चीज तुम खोज रहे हो। मन के अंदर तुम्हें अनकॉन्शियस मालूम होना चाहिए, एटलीस्ट कॉन्शियस में मालूम होना चाहिए क्या खोज रहे हैं। एंड इफ यू सीक टू फाइंड, वॉट यू फाइंड विल बी द सेल्फ प्रोजेक्शन। और ऐसा है, अगर तुमने पहले से कुछ सोच रखा है ट्रूथ के बारे में, तो जो तुम्हें मिलेगा वो केवल तुम्हारा ही थॉट होगा, सच नहीं होगी, गॉड नहीं होगा। वो क्या होगा? इट विल बी योर डिजायर, एंड द क्रिएशन ऑफ डिजायर इज नॉट ट्रूथ। वो तुम्हारी अपनी इच्छा की कोई चीज, आपको राम कृष्ण जीसस नाना कुछ दिखाई दे जाएंगे, और वो ही वो तुम्हारी इच्छा थी, वो प्रोजेक्ट हो जाएगी, वो ट्रूथ नहीं है। टू सीक ट्रूथ इज टू डिनाई इट। अगर खोजोगे तो ट्रूथ को तुम नहीं पा सकते, तुम अपने से दूर करते जा रहे हो। लेकिन इसका यह मतलब नहीं कृष्णमूर्ति के आप अपनी सर्च को छोड़ दें, अभी सुनते रहिए। ट्रूथ हैज नो फिक्स्ड अबोड, ट्रूथ कोई किसी चीज के अंत में नहीं मिलेगा, उसका कोई एड्रेस नहीं है फिक्स्ड। मतलब निकालने की कोशिश मत करिए। देर इज नो पाथ, नो गाइड टू इट, एंड द वर्ड इज नॉट ट्रूथ। कोई भी शब्द ट्रूथ नहीं होता, कोई आपको उंगली पकड़ करके वहां पहुंचा नहीं सकता, कोई रास्ता मैप बना के आपको दे नहीं सकता। इज ट्रूथ टू बी फाउंड इन अ पर्टिकुलर सेटिंग इन अ स्पेशल क्लाइमेट अमंग सर्टेन पीपल। तुम सब छोड़ छाड़ के यहां आए हो, क्या किसी खास जगह पर मिलेगा, कोई क्लाइमेट पर मिलेगा, लोगों के साथ मिलेगा तुम्हें ट्रूथ? एक बड़ा अच्छा सेंटेंस कृष्णमूर्ति यहां कह रहे हैं, द ट्रूथ इज हियर एंड नॉट देयर। ट्रूथ यहां है अभी इस मोमेंट में, वहां नहीं है जिसके बारे में तुम सोच रहे हो कि वो हो जाएगा तो ये मिल जाएगा। इज दैट वन द गाइड टू ट्रूथ, क्या जिसके बारे में तुम सोच रहे हो वो कोई और वो तुम्हें गाइड करेगा ट्रूथ के लिए? एंड नॉट अनदर, और वो नहीं करेगा, वो करेगा, वो नहीं करेगा, वो नहीं वो करेगा। इज देयर अ गाइड एट ऑल, क्या कोई एक्चुअली तुमको गाइड कर सकता है ट्रूथ के लिए? When truth is sought, और क्यों एक्चुअली कृष्णमूर्ति इस तरीके को मना कर रहे हैं, जब तुम खोजते हो ट्रूथ को, when truth is sought, what is found can only come out of ignorance। तुम्हें एक अज्ञान, एक बेवकूफी से चीजें जब की भरी चीजें मिलेंगी आपको, अगर तुम खोजोगे ट्रूथ को। फॉर द सर्च इट सेल्फ इज बॉर्न ऑफ इग्नोरेंस, क्योंकि जो तुम खोज रहे हो बच्चे की तरह है, जैसे छोटा बच्चा सुपरमैन को खोजता है, उसको नहीं पता सुपरमैन होता ही नहीं है लेकिन खोज रहा है। ऐसे हम भी एक सुपरमैन की कल्पना कर लिया हमने, कहीं पर कहानी सुन ली हो, और हमको लगता है कि वो सुपरमैन या तो वो सुपर गॉड हमारी प्रॉब्लम सॉल्व कर देगा, उसको खोज रहे हो तो तुम्हें वो बेवकूफ़ी भरी चीज़ है। यू कैन नॉट सर्च आउट रियलिटी, तुम रियलिटी को खोज नहीं सकते। कैसे आती है रियलिटी पता है? इसका एक खास तरीका कृष्णमूर्ति बता रहे हैं। यू मस्ट सीज फॉर रियलिटी टू बी, तुम्हें स्वयं को, जब तुम स्वयं खत्म हो जाते हो, खत्म मतलब मरना नहीं होता, जब तुम खत्म हो जाते हो, तुम्हारा स्वयं खत्म हो जाता है, तब रियलिटी होती है, तब रियलिटी हो पाती है। थोड़ा सा और पढ़ ले। फिर वो आदमी पूछ रहा है कृष्णमूर्ति से, बट कैन आई फाइंड द नेमलेस, आप इतनी बड़ी बड़ी अच्छी अच्छी बातें कर रहे हैं, तो क्या मैं पा सकता हूं उस नेमलेस को, उस गॉड को जिसको कोई नाम नहीं है? I have come to this country because here there is a greater feeling for that search। कृष्णमूर्ति की बात को लगा और सुनकर के लगा होगा कि यहाँ नहीं मिलेगा, जरूरी यहीं पर तो मिलता है। मैं यहाँ पर इस देश में इसलिए आया हूँ क्योंकि यहाँ पर सर्च के बारे में, इंडिया के बारे में कहा जाता है कि यहाँ पर ट्रूथ के बारे में खूब फीलिंग्स हैं, लोग यहाँ पर घूमते हैं ट्रूथ के नाम पर। फिजिकली वन कैन बी मोर फ्री हियर, वन नीड नॉट हैव सो मेनी थिंग्स, पोजिशंस डू नॉट ओवर पावर वन हियर और एल्स एज एल्स पे। बोलते हैं यहाँ पर खासतौर से इंडिया में आप कम के साथ भी रह सकते हैं,
यहाँ पर आपको लगता नहीं कि बाकी जगहों पर आप प्रोसेशन में फंस जाते हैं रुपए पैसे में. दैट इज पार्टली वाई बिकॉज वाई वन इज वन गोज टू मोनेस्ट्री, और शायद इसीलिए पोजिशन से अपने रुपए पैसे से ना फंसे इसलिए शायद आदमी मोनेस्ट्री जाता है, आश्रम में जाता है जहाँ पर रुपए पैसे के चक्कर में नहीं फंसना चाहता. एंड आई डू नॉट वॉन्ट टू एस्केप इन टू ऑर्डर्ड आइसोलेशन, और मैं किसी मोनेस्ट्री में जाकर के नहीं फंसना चाहता. आई एम हियर, मैं यहाँ पर आया हूँ, लिविंग माई लाइफ टू फाइंड द नेमलेस. मैं इसी जिंदगी को इसलिए जी रहा हूँ ताकि मैं नेमलेस को, जो गॉड है, उसको मैं पा सकूँ. एम आई केपेबल ऑफ फाइंडिंग इट? क्या मैं नेमलेस को पाने के लायक हूँ? मेरे अंदर वो काबिलियत है? हम सब लोग पूछते हैं ना अपने गुरुओं से. एक सज्जन मुझसे पूछे थे, क्या मैं इनलाइटन होने वाला हूँ, हो जाऊंगा कि नहीं हो जाऊंगा? अभी बहुत ही गहराई से समझने वाली चीज है. कृष्णमूर्ति पूछ रहे हैं उस आदमी से, इज इट अ मैटर ऑफ कैपेसिटी? क्या ट्रूथ को समझना, ट्रूथ को पाना कैपेसिटी से आता है, काबिलियत से आता है? जैसे हमको डॉक्टर बनना होता है या एक आर्टिस्ट बनना होता है या प्लेयर बनना होता है, वो काबिलियत होती है. लेकिन ट्रूथ को पाने के लिए कोई काबिलियत चाहिए? डज नॉट कैपेसिटी इम्प्लाई फॉलोइंग अ पर्टिकुलर कोर्स ऑफ एक्शन, अ प्री डिटरमाइंड पाथ विथ ऑल द नेसेसरी एडजस्टमेंट्स? कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं कि जब भी तुम कैपेसिटी की बात करोगे तब तुम किसी तरीके से बोलोगे, मैं ऐसे अपने आप को ट्रेन कर लूँ, ऐसे ट्रेन कर लूँ ताकि मुझे वो ट्रूथ मिल जाए. वेन यू आस्क दैट क्वेश्चन, आर यू नॉट आस्किंग वेदर यू एन ऑर्डनरी इंडिविजुअल हैव द नेसेसरी मीन्स ऑफ गेनिंग वट यू लॉन्ग फॉर? श्योरली योर क्वेश्चन इम्प्लाइज दैट ओनली द एक्सेप्शनल फाइंड ट्रूथ एंड नॉट द एवरी डे मैन. कृष्णमूर्ति बहुत अच्छे से करते थे इस काम को. मैं भी कभी कभी इस चीज़ को देख पाता हूँ. एक होता है इम्प्लाइड, किसी भी क्वेश्चन के अंदर में इम्प्लाइड क्या है. जब भी किसी सवाल को हम और आप किसी से पूछते हैं तो हम ये भूल जाते हैं कि उसके पीछे इम्प्लाइड क्या है. जैसे इस आदमी ने कृष्णमूर्ति से पूछा कि क्या मैं एनलाइटेंड हो सकता हूँ, इसका मतलब उसके मन में ये चीज़ थी कि कुछ खास लोग एनलाइटेंड होते हैं. कहानियाँ सुनी होगी या कहीं पर कुछ पढ़ा होगा, उसको लगा होगा कि ये आदमी होता है जो एनलाइटेंड होने वाला होगा, उसके हाथों में लकीरें होती हैं जो इसका बचपन से ही, मैं पढ़ता हूँ बहुत से लोगों की बायोग्राफी पढ़ता हूँ जो स्पिरिचुअल गुरुज होते हैं उनके बारे में कहा जाता है बचपन से ही आदमी बहुत ही ज्ञानी था, किसी को गीता पढ़ लेता था 5 साल की उम्र में, कोई आदमी बचपन में मंत्र पढ़ लेता था. कुछ कुछ चीज़ें ऐसी उनके बारे में हम सुन लेते हैं, हमको लगता है कि यू हैव टू बी स्पेशल टू गेट एनलाइटेंड और टू फाइंड ट्रूथ. तो वही कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, क्या तुम ये पूछ रहे हो कि खाली स्पेशल लोग ही पाते हैं कि नहीं पाते हैं? इज ट्रूथ ग्रांटेड ओनली फॉर फ्यू? क्या ट्रूथ केवल कुछ लोगों को मिलता है? टू द एक्सेप्शनली इंटेलिजेंट, बहुत इंटेलिजेंट लोगों को? वाई डू वी आस्क वेदर वी आर केपेबल ऑफ फाइंडिंग इट? हम पूछते क्यों हैं कि हम केपेबल हैं कि नहीं? वी हैव द पैटर्न, द एग्जाम्पल ऑफ अ मैन हु सपोज टू हैव डिस्कवर्ड द ट्रूथ. क्योंकि अब तुमने मन में सोच रखा है कि वो आदमी है, उसके पास ट्रूथ है, तो तुम्हारे पास एक पैटर्न इकट्ठा हो गया कि अगर वैसा ही मैं हो जाऊंगा तो शायद मुझे ट्रूथ मिल जाएगा. उसके बाद क्या करते हो तुम? The examples of the man who's supposed to have discovered the truth and the example being elevated far above us. और हमको लगता है वो तो बहुत ऊंचा है बेचारा, मैं तो वहां तक पहुंच नहीं सकता, तो हमको लगता है हम वो पा ही नहीं सकते. Creates uncertainty in ourselves. और इसी वजह से हमारे अंदर में डाउट्स आ जाती हैं. हम एक आइडियल के साथ, एक परफेक्ट आदमी के साथ अपने आप को कंपेयर करना शुरू कर देते हैं और ये डाउट्स ले आता है हमको. The example thus amasses great significance and there is competition between the example and ourselves. और हमारे सामने जो example है, कोई गुरु है, कोई enlightened आदमी है, उसकी वजह से हमको लगने लगता है कि competition चालू हो गया, एक डर चालू हो गया. और फिर एक और चीज़ होती है, we also long to be the record breaker. हमको लगता है हम उससे भी better हो जाएंगे. अगर कृष्णमूर्ति ऐसे रहते हैं तो मैं उनसे और better तरीके से रहूँगा, और ज़्यादा तपस्या करूँगा. Does not this question, how have I capacity, arises out of one's conscious or unconscious comparison of what one is with what one supposes the example to be. क्या तुम्हारा comparison नहीं हो रहा है कि तुम क्या हो उस चीज से जो तुम होना चाहते हो उस चीज के साथ? अभी खत्म नहीं हुआ है ये, अभी इसका एंड बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही रिवीलिंग है, हम इसको कवर करेंगे कल. जब हम सच खोजने की कोशिश करते हैं तो सच वो नहीं है जो हमने सोचा है सच के बारे में, जो हमने गेस लगाया है सच के बारे में. सच हमारे थॉट्स में से निकल के नहीं आता, हमारे क्योंकि हमारे थॉट्स कहाँ से निकल के आते हैं? हमारे कन्फ्यूजन में से निकल के आते हैं.
हमारे सारे थॉट्स कन्फ्यूजन में से ही निकल के आते हैं। बहुत रेयरली ऐसा एक आधा थॉट होता होगा, और वो भी हमको केवल इंस्पिरेशन के फॉर्म में आता है, और बहुत रेयर आता है। शायद 15 या 20 साल में एक आध थॉट ऐसा हो जो कि इंस्पिरेशन का फॉर्म, अदरवाइज ज़्यादातर हमारे जो थॉट्स हैं वो हमारे डिज़ायर्स हैं। हमारे डिज़ायर्स कहाँ से आते हैं? हमारी कन्फ्यूजन में से निकल के आते हैं। बट जब आप सच खोजने की कोशिश करते हैं तो ये एटीट्यूड काम नहीं करता, डेस्परेटनेस काम नहीं करता। हम प्लान करके, जैसे कोई बिजनेस चालू करता है, जैसे कोई दुकान चालू करता है, या जैसे कोई परिवार बनाता है, या बच्चे के लिए प्लानिंग करता है कि एक बच्चा मेरा बड़ा बन के ये करेगा वो करेगा, इस तरह से हम सच को अप्रोच नहीं कर सकते। और डेस्परेट होकर के तो सच को कतई अप्रोच नहीं कर सकते, बिकॉज सच को अप्रोच करने के लिए कोई खास चीज़ चाहिए, कोई खास एटीट्यूड चाहिए। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं, वाई डू वी कंपेयर आर सेल्फ विद द आइडियल? जब हमने सच के बारे में सोचा कुछ, कि हमारे गुरुज, हमारे स्पिरिचुअल मास्टर्स, किसी चीज़ को हमने देखा और माना कि ये लोग आइडिया हैं, ट्रूथ जिनको मिला है, हम उनसे कंपेयर क्यों करते हैं अपने आप को? एंड डज कंपेयरिंग ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग? और हम क्या आपको लगता है कि कंपेरिजन अंडरस्टैंडिंग लेकर आता है? हम शायद अंडरस्टैंडिंग को बहुत ही छोटा चीज़ समझते हैं। हमने शायद अंडरस्टैंडिंग को मान लिया है कंपेरिजन। हाँ, फिजिकल वर्ल्ड में हमारी सेंसेस, 5 सेंसेस हमको हेल्प करती हैं चीज़ों के बारे में समझने के लिए। हमको ये मालूम पड़ता है कि कौन सी बिल्डिंग बड़ी है, कौन सी बिल्डिंग छोटी है, इसी कंपेरिजन से हमको ये पता है कि जब खाना खाते हैं तो कौन सा खाना स्वादिष्ट है कौन सा नहीं, ये हम जानते हैं कंपैरिजन से। लेकिन फिर भी वो कंपैरिजन से नहीं आता, कहीं गहरे में कंपैरिजन जब होता है उसके बाद कुछ होता है। अंडरस्टैंडिंग इज समथिंग बियॉन्ड दीज टू, इनफैक्ट बिहाइंड दीज टू। कंपैरिजन के बाद भी एक चीज़ होता है, इसको कृष्णमूर्ति बोलते हैं, या तो नॉर्मली लोग बोलते हैं इंट्यूशन। एंड डज कंपैरिजन ब्रिंग्स अंडरस्टैंडिंग? और क्या कंपैरिजन से अंडरस्टैंडिंग आती है? इज द आइडियल डिफरेंट फ्रॉम आर सेल्व्स? जिसको हम आइडियल मान के चलते हैं, किसी गुरु को, किसी महात्मा को, क्या हमसे अलग है वो? इज नॉट अ सेल्फ प्रोजेक्शन अ होम मेड थिंग, एंड डज इट नॉट देयर फॉर प्रिवेंट द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आर सेल्व्स एज वी आर? जो भी चीज़ हमने सोचा है हमारे मन में कि हमको ऐसा होना चाहिए, अगर ट्रूथ पाना है तो ऐसा होना चाहिए, तो क्या वो हमारा खुद का प्रोजेक्शन नहीं, खाली मन का प्रोजेक्शन है कि हमको ऐसा होना चाहिए? अगर हम अपने मन में से प्रोजेक्शन कर रहे हैं कि हमको ऐसा होना चाहिए या ऐसा नहीं होना चाहिए, तो क्या जो चीज़ हम हैं, जो भी हमारे अंदर में है, अच्छाइयाँ बुराइयाँ, क्या हम उसको समझ पाएंगे वो क्यों है? इज नॉट कंपैरिजन एंड इवेजन ऑफ द अंडरस्टैंडिंग ऑफ आवर सेल्फ्स? जिस मोमेंट पे मैं अपने आप को किसी से कंपेयर कर रहा हूँ, तो अचानक से मैंने अपने आप को तो हटा दिया, मैंने अपने आप को किसी के बगल में खड़ा कर दिया, और उस मोमेंट में जो मैं हूँ उससे मैं अलग हट गया, इवेड कर रहा हूं अपने आप को, समझने से दूर हट रहा हूं। देर आर सो मेनी वेज ऑफ एस्केपिंग आवर सेल्फ्स। अपने आप से, अपनी प्रेजेंट कंडीशन से, अपने स्टेट ऑफ माइंड से, अपनी मिजरी से, जो भी मन में चल रहा है उसको उससे भागने के बहुत से तरीके हैं, एंड कंपेरिजन इज वन ऑफ देम। और ढेर सारे तरीकों में से शराब एक कंपेरिजन एक तरीका है अपने आप से भागने का, सोना अपने आप से भागने का तरीका है, मतलब डे ड्रीमिंग करना अपने आप से भागने का तरीका है, पार्टीज, नशा, ये सब चीजें अपने आप से भागने का तरीका है, और उन्हीं में से एक तरीका है कंपैरिजन। हम अपने आप को दूसरों से कंपेयर करके केवल अपने आप से ही, अपनी स्टेट से एस्केप करते हैं। द गॉड दैट यू सीक इज द गॉड ऑफ इल्यूजन। जो तुमने मन में कल्पना कर रखी है, जितने भी अच्छे से अच्छा गॉड के बारे में तुमने सोच रखा है कि ये गॉड है जिसको मुझे पाना है, वो केवल तुम्हारी ही इल्यूजन है, तुम्हारा कल्पना है जिसको तुम खोज रहे हो। एंड इल्यूजन इनेविटेबली ब्रिंग्स कॉन्फ्लिक्ट एंड सॉरो। अगर आप झूठ खोज रहे हैं, इल्यूजन खोज रहे हैं, कोई ऐसी चीज खोज रहे हैं जो है नहीं, तो अल्टीमेटली आपको क्या मिलेगा? झूठ ही मिलेगा, दुख मिलेगा, कॉन्फ्लिक्ट मिलेगा। विदाउट सेल्फ नॉलेज देयर कैन बी नो राइट थिंकिंग। कृष्णमूर्ति वो सीक्रेट दे रहे हैं, वो मंत्रा दे रहे हैं कि अगर आपको ट्रूथ जानना है, सच को जानना है, तो सबसे पहले आपकी थिंकिंग राइट होनी चाहिए। और थिंकिंग कैसे राइट होती है, हमारे थॉट्स कैसे सही होते हैं, जब उनके ऊपर किसी चीज़ का इन्फ्लुएंस नहीं होता। नॉर्मली हमारे थॉट्स पर हमारे इमोशंस का बहुत गहरा इन्फ्लुएंस होता है। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, सेल्फ नॉलेज तभी हो पाएगा जब हमारे पास राइट थिंकिंग होगी। एंड देन ऑल नॉलेज इज इग्नोरेंस विच कैन ओनली लीड टू कन्फ्यूजन एंड डिस्ट्रक्शन। क्योंकि अगर हमको सेल्फ नॉलेज नहीं है,
अगर हमको ये नहीं पता कि हमारे थॉट्स में लालच काम कर रहा है, अगर हमको ये नहीं पता कि हमारे थॉट्स में कन्फ्यूजन है, बहुत बार नहीं मालूम पड़ता, जिस समय हम किसी और को डांटते हैं किसी गलत काम के लिए, हमको ये नहीं समझ में आता कि हमारी डांट में इमोशन है, एक्चुअली ट्रूथ नहीं है। तो बोल रहे हैं कि ये सब इग्नोरेंस की वजह से होता है और इससे कंफ्यूजन और डिस्ट्रक्शन ही पैदा होता है। सेल्फ नॉलेज इज नॉट एन अल्टीमेट एंड, और जब खुद को आप जानते हैं तो वही अल्टीमेट एंड नहीं है। ये थोड़ा सा नई चीज बता रहे हैं कृष्णमूर्ति, एक नया वर्ड भी यूज करेंगे यहाँ पे। जब हम अपनी थॉट्स के बारे में, अपने इमोशंस के बारे में, अपने अर्ज के बारे में, अपने डिजायर्स के बारे में, अपनी क्रेविंग्स के बारे में जब हमको जानकारी होना शुरू हो जाएगी, जब मुझे मालूम पड़ेगा कि मैं असल में किसी का भला नहीं करना चाहता एक एनजीओ बना करके, बल्कि मैं ही अपना जेब भरना चाहता हूँ एक अच्छा आदमी के नाम से, तो ये सब चीज़ हमको अपना पता चलेगी। तो ये अपने आप में एंड नहीं है, मतलब मॉरलिस्टिक होना अपने आप में एंड नहीं है कि आप अच्छा आदमी बनो, खाली इतना ही नहीं है, एंड एंड कुछ और है। इट इज ओनली द ओपनिंग वेज टू द इनएग्जॉस्टेबल। बहुत अच्छा सेंटेंस है ये, ओपनिंग एज। जब पता है किसको बोलते हैं, नहीं, जब लकड़ी काटते हैं हम लोग, जब आप लकड़ी के ऊपर मारेंगे हथौड़े से कुल्हाड़ी से, तो उसमें थोड़ा सा क्रैक बन जाएगा। वो क्रैक वो जगह होती है जिससे कि आपको और अंदर घुसना है। अगर आप किसी गुफा से बाहर निकल रहे हैं तो एक क्रैक बनता है, उसको बोलते हैं वेज। वेज मतलब ऐसा पतला सा शेप। तो बोलते हैं आपकी राइट थिंकिंग, जब आपको अपने बारे में पता चलेगा, वो इंस्ट्रूमेंट है अंदर घुसने का। किस चीज़ के अंदर घुसने का? इनएग्जॉस्टेबल के अंदर घुसने का, उस दुनिया में, उस सच में घुसने का। बिकॉज सच बहुत बड़ी चीज़ है, उसमें घुसेंगे कैसे, कौन से इंस्ट्रूमेंट से उसको तोड़ेंगे? तो बोल रहे हैं राइट थिंकिंग, एक ऐसी थिंकिंग जिसमें इमोशंस का अभाव प्रभाव नहीं होता। तो वो आदमी कह रहा है, इज नॉट सेल्फ नॉलेज एक्सट्रीमली डिफिकल्ट टू एक्वायर एंड विल इट नॉट टेक वेरी लॉन्ग टाइम? बोलता है ऐसा नहीं, क्या सेल्फ नॉलेज के लिए अगर हमको राइट थिंकिंग करना होगा और सेल्फ नॉलेज करना ही होगा, अपने बारे में जानना होगा, तो उसको बहुत लंबा टाइम लगेगा भगवान को जानने के लिए। कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, द वेरी कॉन्सेप्शन दैट सेल्फ नॉलेज इज डिफिकल्ट टू एक्वायर इज हिंड्रेंस टू सेल्फ नॉलेज। ये तुम्हारा आइडिया है, कृष्णमूर्ति कह रहे हैं कि सेल्फ नॉलेज बहुत मुश्किल है, क्योंकि तुमने मन में सोच रखा है ना सेल्फ नॉलेज कोई खास चीज़ है और उसी को मुझे पाना है। तुम्हें पता क्या है सेल्फ के बारे में, सेल्फ नॉलेज के बारे में? ये आइडिया ही तुम्हें रोकेगा, तुम्हें लगेगा कि बहुत मुश्किल है इसलिए तुम सेल्फ को जानना नहीं चाहोगे। द वेरी कॉन्सेप्शन दैट सेल्फ नॉलेज इज डिफिकल्ट टू एक्वायर इज हिंड्रेंस टू सेल्फ नॉलेज, इसी से रुकावट आएगी। इफ आई मे सजेस्ट, अगर मैं तुमसे कह सकूं, डू नॉट सपोज दैट इट विल बी डिफिकल्ट और दैट इट विल टेक टाइम। ये मत पहले से अज्यूम क्यों कर रहे हो कि इसमें टाइम लगेगा या बहुत मुश्किल लगेगा। डू नॉट प्री डिटरमाइन वॉट इट इज एंड वॉट इट इज नॉट, पहले से डिटरमाइन मत करो, पहले से मत पक्का करो कि ये क्या है या क्या नहीं है सेल्फ नॉलेज। बिगिन सेल्फ नॉलेज टू बी डिस्कवर्ड इन एक्शन ऑफ रिलेशनशिप। अपने जो भी तुम करोगे, तुम्हारा लोगों से रिलेशनशिप है, तुम्हारा काम से रिलेशनशिप है, तुम्हारा पैसे से रिलेशनशिप है, तुम्हारा सोसाइटी से रिलेशनशिप है, हर चीज के साथ तुम्हारा माइंड जुड़ा हुआ है, उस जुड़ाव के अंदर में तुम अपने आप को स्टडी करना शुरू करो। सेल्फ नॉलेज इज टू बी डिस्कवर्ड, तुम्हें डिस्कवर करना पड़ेगा इन द एक्शन ऑफ रिलेशनशिप। जब तुम एक देखोगे एक चाय वाले के साथ कैसे बिहेव करते हो, वो भी तुम्हारा रिलेशनशिप है, कैजुअल है। एक अमीर आदमी के साथ कैसा रिलेशनशिप करते हो, एक चोर के साथ तुम्हारा कैसा रिलेशनशिप है, पहले से मत बोलो कि तुम्हें ऐसा होना चाहिए ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम्हें उसके साथ अच्छा होना चाहिए उसके साथ अच्छा, ये पहले से मत बोलो। अपने आप को डिस्कवर करो कि तुम कहाँ, तुम्हारी थिंकिंग कहाँ कहाँ पर डिस्टर्ब है, कहाँ कहाँ पर बीमार है, उसको पहले खोजो। एंड ऑल एक्शंस एक्शंस इज रिलेशनशिप, सारे एक्शन असल में रिलेशनशिप ही है। हमको जो 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 अच्छा लगता है उसके साथ ज्यादा करते हैं, जो नहीं कम अच्छा लगता है उसके पास कुछ करने का भी मन नहीं करता, उसके लिए कुछ करने का मन नहीं करता। बोलते हैं सारे के सारे एक्शन रिलेशनशिप ही होते हैं। सेल्फ नॉलेज डज नॉट कम अबाउट थ्रू सेल्फ आइसोलेशन, थ्रू विदड्रॉल। अपने घर परिवार को छोड़ करके, अपने समाज को छोड़ करके, अगर किसी आश्रम में किसी अकेले रहने की सोचोगे, दुनिया से काट के अगर तुम सेल्फ नॉलेज के बारे में सोचोगे, तो ये पॉसिबल नहीं। यही जनों का बोलता है कि शादीशुदा आदमी जब सोसाइटी में रहता है तभी उसको अपने बारे में मालूम पड़ता है। द डिनाइल ऑफ रिलेशनशिप इज डेथ। अगर तुम अपने आप को दुनिया से, जो हमारा तुम्हारा रिलेशनशिप है उससे अपने आप को काटोगे, तो वो मौत है एक तरह का। डेथ इज, और डेथ एक खास चीज मुझे यहां पर कृष्णमूर्ति ने दी, कल ही दी। डेथ पता है क्या है? डेथ इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस। खींचा तानी,
रेजिस्टेंस मतलब खींचाता नहीं, लाइफ के साथ खींचाता नहीं। लाइफ हमको कुछ दे रही है और हम बोल रहे हम ये नहीं लेंगे, हम कुछ और लेंगे, बट लाइफ हमको कुछ दे रही है। और सबसे बड़ी खींचातानी हमारी होती है जिस समय हम मरते मरते हैं। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं डेथ इज द अल्टीमेट रेजिस्टेंस। जो आदमी मौत के साथ भी कंफर्टेबल रह सके, लेकिन इमेजिन मत करिए आप और हम, और आप सोच करके कंफर्टेबल नहीं रह सकते मौत के साथ। जब तक हमारे मन में, हमारे थॉट्स में इमोशंस का डिस्टर्बेंस है, प्रभाव है, तब तक हम डेथ के साथ कंफर्टेबल नहीं रह सकते। रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस और भी कुछ चीजें हैं, खिंचाता नहीं लाइफ के साथ और भी तरीके से हम करते हैं। कैसे कैसे? रेजिस्टेंस विच इज सप्रेशन, हम अपने अंदर में ढेर सारी सप्रेशंस लेकर आए हैं, रखते हैं। सब्स्टिट्यूशन और सबलिमिनेशन इन एनी फॉर्म, हम अपनी कन्फ्यूजन को, अपनी लालच को सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। हम ये बोलते हैं कि नहीं, मुझे दुनिया में पैसे रुपए का लालच नहीं है, अब तो मैं भगवान को चाहता हूँ। तो ये सब्स्टिट्यूशन हो गया, चेंज हो गया मेरा लालच। इट इज द हिंड्रेंस टू फ्लो ऑफ द सेल्फ नॉलेज। अगर हम सचमुच में अपने बारे में जानना चाहते हैं तो इस तरह की सब्स्टिट्यूशन हमको जानने में रुकावट पैदा करेगी। जो भी हमारा स्टेट है बेहतर नहीं हो सकता, उससे खराब नहीं हो सकता, लेकिन जो है वो तो पता चल सकता है अपने को, लेकिन वो नहीं पता चलता बिकॉज हम उसको किसी न किसी तरीके से ढांप देते हैं, ट्रूथ के नाम पे ढांप देते हैं। कृष्णमूर्ति बोल रहे हैं रेजिस्टेंस वेदर पॉजिटिव और नेगेटिव, अगर हम दुनिया के साथ लड़ाई कर रहे हैं, अपने थॉट्स के साथ फाइट कर रहे हैं, अपने भाई ब्रह्मचारी जबरदस्ती बनने की कोशिश करें, तो एक तरह का रेजिस्टेंस है। तो बोलते हैं रेजिस्टेंस चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, विथ इट्स कंपैरिजन एंड जस्टिफिकेशन, आप अपने आप को दूसरों से कंपेयर करते हैं और तब अपने आप को जबरदस्ती रेजिस्ट करते हैं उससे, या जस्टिफिकेशन देते हैं, मैंने ये इसलिए किया क्योंकि इसलिए किया। इज इट्स कंडेमनेशन एंड आइडेंटिफिकेशन, अपने आप को कंडेम करना या अपने आप को किसी चीज़ के साथ आइडेंटिफाई करना, ये सब के सब क्या है? बहुत खास चीज़ है ये सब, ये सारे के सारे थॉट्स ही तो हैं। हमको कुछ अच्छा लगता है तो हम बोलते हैं हम इसे आइडेंटिफाई करेंगे, हमको जो नहीं अच्छा लगता हम बोलते हैं हम ये कभी नहीं करेंगे। ये सारी की सारी चीज़ें क्या हैं? ये सब की सब डिनायल ऑफ वॉट इज बोलते हैं कृष्णमूर्ति। जो भी है तुम्हारे लाइफ में, जैसा भी है, तुम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, डिनाई कर रहे हो। जो भी है उसको तुम डिनाई कर रहे हो। वॉट इज द इम्प्लिसिट, और जो भी है इस मोमेंट में, जो भी है वो इम्प्लिसिट है। इम्प्लिसिट बहुत गहरा वर्ड है। इम्प्लिसिट मतलब भरा हुआ, ट्रुथ से भरा हुआ। इसी मोमेंट में जो भी है वो सब इम्प्लिसिट है, भरा हुआ है ट्रुथ से। एंड अवेयरनेस ऑफ द इम्प्लिसिट, और जो भी चीज इस समय ट्रुथ से भरा हुआ है, जब उसके बारे में आप जान पाएंगे विदाउट एनी चॉइस, उसमें आप चूज नहीं करते मेंटली मुझे ये चाहिए ये नहीं चाहिए, जब बिना चॉइस के आप इस मोमेंट के साथ रह पाएंगे, उस समय क्या होता है पता है? दैट इज द अनफोल्डमेंट ऑफ इट। अनफोल्ड होता है, जैसे पेज खुलते हैं ना, अनफोल्ड, कपड़े का परत खुलता है, पैकेट किसी चीज के ऊपर। दुनिया में असल में किसी चीज के ऊपर पर्दा है नहीं, लेकिन हमारे थॉट्स की वजह से पर्दा लगता है हमको। पेड़ पौधे नदियां ये सब ट्रुथ से प्रेग्नेंट है, ईश्वर जिसको आप कह सकते हैं उससे प्रेग्नेंट है। हमारी कल्पना नहीं है इनमें, इसमें कोई भगवान विष्णु नहीं बैठे हैं पेड़ के अंदर में, बट कोई चीज़ है जो ट्रुथ है, जो गॉडलीनेस है, उसके अंदर बैठा हुआ है और हम उसको नहीं देख पाते। अगर आप प्रेजेंट मोमेंट के साथ रह पाएंगे तब ट्रुथ अनफोल्ड होता है आपके सामने, आप भाग करके उसको पा नहीं सकते। आप पेड़ को ही नहीं बोल सकते तुम्हारे अंदर में जो चमक है, तुम्हारे पत्तों की जो हरियाली है मुझे दिखाओ, नहीं बोल सकते। जब आपका मन शांत होता है, जब आप लड़ाई नहीं करते मन से, आप लालच ऑलमोस्ट शांति हो गई है, जो चाहिए था मिल गया है, नहीं मिल गया तो मुझे पता चल गया है कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए। जैसे एक बच्चे के बारे में हम जानते हैं इस बच्चे को क्या चाहिए होता है, वैसे हम अपने बारे में जब देखना शुरू कर देते हैं बिना उसको जज किए हुए, तब ट्रूथ अनफोल्ड होता है, खुलता है हमारे सामने। दिस अनफोल्डमेंट इज द बिगिनिंग ऑफ विजडम, और जब ट्रूथ हमारे सामने खुलता है तब ज्ञान का शुरुआत होता है। विजडम इज एसेंशियल फॉर द कमिंग इन टू बींग ऑफ द अननोन, और अगर आप सचमुच में अननोन में आप जाना चाहते हैं जो वास्ट है, बहुत बड़ा है, तो विजडम से ही शुरुआत होती है। विजडम वो मैप है, रोड मैप है, जिसके जरिए आप अननोन में जा सकते हैं, अननोन में जिसको कोई जा नहीं सकता लेकिन आप उसमें जा सकते हैं। द अननोन, द इनएग्जॉस्टिबल, उसको किसी पॉजिटिव तरीके से बोल भी नहीं सकते हम लोग। उसको नाम वाम जब देते हैं गॉड और ट्रूथ बोल देते हैं तो सब कन्फ्यूजन होता है, इसलिए उसको नेगेटिव तरीके से बोला जाता है। इनएग्जॉस्टिबल, जो चीज़ कभी ख़त्म नहीं होती,
बियॉन्ड लिमिटेशंस, जिसकी कोई लिमिट नहीं होती, बियॉन्ड टाइम, जिसका कोई टाइम नहीं होता, बट इसकी कल्पना मत करने की कोशिश करिए। केवल अपने थॉट्स को स्टडी करते रहिए, देखते रहिए। जबरदस्ती भी मत देखिए कि देखो और शांत हो जाए ताकि मैं सब कुछ देख सकूँ, ऐसा नहीं है। अपने मन में जो थॉट्स को देखेंगे और उसमें अगर आप अशांत हैं, परेशान हैं, तो उसको भी देखते रहिए कि मैं देखो यहाँ पर अशांत हूँ, यहाँ पर मैं परेशान हूँ। जैसे जैसे आपको अपने बारे में पता चलता रहेगा, वैसे वैसे आपके अंदर में ज्ञान अपने आप से खुलता जाएगा। कुछ चमत्कार है ऐसा कि आपको अपने बारे में एक छोटी सी चीज़ पता चली, उसकी वजह से पीछे एक फूल खिला ज्ञान का, फिर एक छोटी सी और चीज़ पता चली, एक ज्ञान का फूल खिला। ऐसे करते करते अंदर में ज्ञान का बागीचा खुल जाता है। वो थॉट्स नहीं होते ज्ञान का बागीचा, एक शांत अवेयरनेस होती है जिसकी प्रेजेंस में सारी थॉट्स, सारे इमोशंस बच्चे की तरह खुलते हैं, आपको दिखते हैं, और जो ज़रूरी होता है वो आपको मिलता है, अदरवाइज परेशान नहीं करता कोई भी थॉट्स। और जब ऐसा होता है, एक अवेयरनेस की एक समंदर क्रिएट हो जाती है अंदर, और जब अवेयरनेस की समुद्र अंदर क्रिएट होती है, तब वो चीज़ बाहर जो ट्रूथ है, जो उसमें दिख सकता है, जो अवेयरनेस में ही दिख सकता है, थॉट्स में नहीं दिख सकता, इमोशंस में नहीं दिख सकता, वो केवल अवेयरनेस में दिखता है, वो आपको दिखना शुरू होता है। कोई दिखाता नहीं है, बट आपको दिखना शुरू होता है, बिकॉज अब आपके अंदर में जो थॉट्स की लहर थी वो शांत हुई, और जो नीचे गहराई थी वो अब दिख रही है। दोस्तों, कृष्णमूर्ति हिंदी में बहुत कम अवेलेबल है। मैं चाहता हूँ कि हम एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन बनाएं जहाँ पर हम लोग कृष्णमूर्ति को, और भी जो हमारे जेन्युइन सेंट्स हैं, जैसे रमण महर्षि हैं, कृष्णमूर्ति हैं, ऐसे सेंट्स की जो भी रेयर नॉलेज है उसको बचा सकें। हमको सपोर्ट करिए, जिनोवा स्टडी सेंटर को बनने में हमारा सपोर्ट करिए। थैंक यू सो मच।